हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का हेड कटआउट एनिमेशन इन प्रीमियर प्रो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना बैकग्राउंड ले लेना है। मैंने यहाँ पे कलर मेट लिया है वाइट कलर का। देन इसके बाद आपको वो PNG लेनी है जिस पे आप ये एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो, जिसका हेड कटआउट आप क्रिएट करना चाहते हो। ओके, अपने अकॉर्डिंग इसका साइज और पोजिशन सेट करने के बाद आपको इस लेयर को सिलेक्ट करके इस पे एक मास्क ड्रॉ करना है, जिसके लिए आप इफेक्ट्स कंट्रोल पे आकर ओपेसिटी के ऑप्शन में पेन टूल सिलेक्ट करके यहाँ से एक मास्क क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो सर्कल शेप लेके भी मास्क क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दोबारा इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आकर मास्क के ऑप्शन में यहाँ पे इन्वर्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओके, इसके बाद टाइमलाइन पे आकर जो ये PNG वाली लेयर है आपकी, इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। इसके बाद ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आके मास्क को इन्वर्टेड से डिसेबल कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको कटआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मास्क में जो फेदर है इसे आपको 0% कर देना है, और नीचे वाली लेयर में फेदर को आपको 0% कर देना है। ओके, इसके बाद आपको ये जो बीच में यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है इसे हमें रिमूव करना है। जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है इसे हमें रिमूव करना है। इसके लिए आप इसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हो। पोजिशन को चेंज करोगे तो ये लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, तो यहाँ पे आपका कटआउट रेडी हो चुका है। अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो अब इस कटआउट को एनिमेट करने के लिए आपको कुछ सेकंड आगे आना है अपनी टाइमलाइन पर, कुछ सेकंड या कुछ फ्रेम्स आगे आकर पोजीशन और रोटेशन पे की फ्रेम्स ऐड करेंगे। देन उसके बाद अगेन कुछ फ्रेम्स आगे आएंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि एनिमेशन कम्प्लीट हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर इसकी पोजिशन को चेंज करेंगे और साथ ही में इसकी रोटेशन को भी चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको दिख रहा है। काफ़ी स्लो है, मैं इसे फास्ट कर देता हूँ। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इज आउट, इन दोनों को सिलेक्ट करके इज इन। तो इस एनिमेशन के बाद आप देख सकते हैं कि आपका कटआउट रेडी है। बट यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पर आपको कलर्ड हेड नहीं मिल रहा है। ओके, तो हम वो क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर देंगे। देन इसके बाद जूम करके यहाँ पर आप शेप वाले ऑप्शन में आकर एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें। यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ करने के बाद इसे हेड के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इस शेप वाली लेयर को दोनों PNG लेयर से नीचे रखना है। दोनों PNG लेयर को ऊपर करना है और ग्राफिक्स वाली लेयर को इसके नीचे रखना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा ये इस वक्त। तो जैसे ही आपका ये एनिमेशन कंप्लीट होगा, आपका ये हेड दिखाई देने लगेगा, देखिए जो क्रिएट हुआ है अब तक। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये हेड कटआउट ऊपर जाए यहाँ पर, तो इसमें से कोई भी आइकन या टेक्स्ट जो है वो पॉप आउट हो। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आइकन ले रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स का, जिसमें मैं प्लेस करने वाला हूँ दोनों ही PNG लेयर्स के नीचे, बट ग्राफिक्स लेयर के यानी शेप लेयर के ऊपर। ठीक है, इसे प्लेस करने के बाद अभी हमें इसे एनिमेट करना है कटआउट के अकॉर्डिंग। तो हम इस पॉइंट पर आकर आइकन पे पोजीशन पे की फ्रेम्स ऐड करेंगे। मैं इसके साइज़ को हल्का सा छोटा कर रहा हूँ। पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पर आकर, और देन इसके बाद जहाँ पर ये कटआउट ऊपर जा रहा है उस पॉइंट पर आकर मैं इसे बाहर निकालूंगा कुछ इस तरह से, और स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मैं इसे पूरी तरह नीचे कर, ताकि ये विजिबल ना हो जब तक कि हेड बाहर ना आए। तो देख सकते हैं अभी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का क्रिएट हुआ है, यहाँ से बाहर आ रहा है, जिसे हमें ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए आप अपनी आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट करके मोशन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके अगर आप ड्रैग करते हैं इस तरह से, तो आपका जो एनिमेशन पाथ है वो कर्व हो जाता है। तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ठीक है, आप इसकी स्पीड, टाइमिंग, आप की फ्रेम्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। की फ्रेम्स को ईजी इन ईज आउट करना ना भूलें, इससे आपकी एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एनिमेशन है आपका हेड कटआउट एनिमेशन, ये कम्प्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद जब ये एनिमेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको इसे रिवर्स भी करना होगा। ऑब्वियसली जो ये हेड का कटआउट है ये वापस है और आइकन भी इसके अंदर दोबारा से सेटल डाउन हो जाए। इसके लिए आपका जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर आपको
सबसे पहले तो आपको आइकन के लेयर पे आकर यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, ओके, इस ऑप्शन पे क्लिक करके। देन इसके बाद आपको कुछ फ्रेम्स या कुछ सेकंड्स आगे आकर इस आइकन को वापस से उसी जगह पे प्लेस कर देना है जहाँ ये पहले था, और फिर से आपको इसे कुछ इस तरीके का कर्व दे देना है ताकि ये साइड से इसके अंदर सेटल ला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये की फ्रेम ऐड करने के बाद जो आपका आइकन है वो वापस से इस हेड कटआउट के अंदर चला जा रहा है, ओके। तो अब इसके बाद आपको जो हेड का कटआउट है इसे वापस उसके प्लेस पर लेके आना है, जिसके लिए आप कुछ फ्रेम्स पीछे आएंगे लगभग इस वक्त पे जब आइकन बाहर था, तो इसके साथ ही ये कटआउट भी वापस से सेटल डाउन होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर आकर हेड वाई लेयर को सिलेक्ट करके एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड करेंगे पोजिशन और रोटेशन पे। देन इसके बाद फिर से कुछ फ्रेम्स आगे आएंगे जहाँ पर कि ये आइकन पूरी तरह डिसअपीयर हो जाए। देन इसके बाद आपको इसकी पोजीशन को वैसे ही कर देना है जैसा कि ये शुरुआत में था बिना किसी चेंजेस के। तो मैं इस फर्स्ट शुरू की दोनों की फ्रेम्स को कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और इस पोजीशन पर आकर कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको दिख रहा है, आप इसे फास्ट स्लो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसकी की फ्रेम्स को आगे पीछे करके। ठीक है, तो ये एनिमेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।